नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मी उपाध्याय और हम लेकर हाजिर हैं जी हिंदुस्तान का अनोखा शो हम हिंदुस्तानी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ अनुराग सिंह। दिल में हिंदुस्तान, खबर में हिंदुस्तान। हमारे शो हम हिंदुस्तानी में वो खबरें होती हैं जिससे बनता है हमारा राष्ट्र हिंदुस्तान। 60 मिनट के शो हम हिंदुस्तानी में वो खबरें होगी जिससे बदलेगा हमारा हिंदुस्तान। हम हिंदुस्तानी में वो खबरें होंगी जिसमें सुनाई देगी नए हिंदुस्तान की हुंकार। हम हिंदुस्तानी में जुड़ेंगे हिंदुस्तान भर के रिपोर्टर। हम दिखाएंगे हिंदुस्तान का एजेंडा। हम पूछेंगे हिंदुस्तान के सवाल। तो बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की चार बड़ी खबरों पर। कामाख्या की शक्ति, योगी की भक्ति। दरअसल असम के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सभाएं करनी थी लेकिन उससे पहले वो कामाख्या मंदिर पहुंचे जहां उन्होंने मां के दर्शन किए, उसके बाद उनका आशीर्वाद लिया और फिर आगे चुनावी जनसभाओं की ओर बढ़ चले। दूसरी बड़ी खबर, लाउड अजान पर सियासी संग्राम कैसे छिड़ा हुआ है, वो भी आपको पूरी खबर विस्तार से विश्लेषण के साथ आपको बताएंगे। इधर सियासी संग्राम के चुनावी पिटारे में क्या है, दरअसल बात टीएमसी को लेकर हो रही है क्योंकि टीएमसी का घोषणा पत्र आने वाला है। लेकिन इससे पहले टीएमसी जो सोनार बांग्ला का सपना दिखा रही थी, क्या उस पर अमल हो पाया और आने वाले समय में रोडमैप क्या बताएगी टीएमसी, इस पर भी आपको बताएंगे। और महत्वपूर्ण खबर आपके लिए, कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत क्या है, विस्तार से पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण इस बात को समझना होगा बढ़ते कोरोना के चलते प्रधानमंत्री की नसीहत क्या रहेगी। और आगे बढ़ेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। 21 मार्च को मैनिफेस्टो जारी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। पिछड़ों के आरक्षण की बात इसमें हो सकती है। बीजेपी ने मैनिफेस्टो के लिए बंगाल की जनता से रायशुमारी भी की थी। तो 21 मार्च को घोषणा पत्र जारी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। उससे पहले आज टीएमसी का घोषणा पत्र सामने आ रहा है। ये माना जा रहा है कि फ्री राशन का ऐलान कर सकती है टीएमसी। लेकिन टीएमसी के घोषणा पत्र के बाद जब भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आएगा तो देखना होगा कि आखिर उसमें क्या कुछ नए वादे होते हैं। ये खबर सामने आ रही है बंगाल से क्या वादा करेगी बीजेपी, इस पर सबकी निगाहें होंगी। हर्षा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हर्षा, आज टीएमसी का घोषणा पत्र आ रहा है लेकिन उसके बाद जब बीजेपी का घोषणा पत्र आएगा, ये माना जा रहा है कि 21 मार्च को मैनिफेस्टो आ सकता है, क्या कुछ अहम वादे हो सकते हैं बंगाल की जनता से? देखिए लक्ष्मी, मैं आपको बताऊं, जेपी नड्डा के आवास पे जो बंगाल की बैठक चल रही है उसमें मैनिफेस्टो को लेकर भी चर्चा होगी क्योंकि आज टीएमसी का मैनिफेस्टो आ रहा है। लिहाजा बीजेपी के तमाम पॉइंटर्स होंगे मैनिफेस्टो में, जो भी आज तक काम नहीं हुआ है और वो कहां पे टीएमसी लाग करती है। मध्यम वर्गीय नाराज है, पिछड़ा वर्ग नाराज है, कोई शिक्षा नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ है, यहां तक इंडस्ट्री सेक्टर सबसे पीछे। इसीलिए नंदीग्राम और सिंगूर के लिए इंडस्ट्री की बात हो, शिक्षा की बात हो, किसानों के विकास की बात हो और साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की बात हो, ये तमाम चीजें बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल होगी। क्योंकि आपको बताऊं दिलीप घोष कैलाश, लेकिन राजनीतिक मंचों से सोनार बांग्ला की गूंज हर्षा सुनाई दी है, तो सोनार बांग्ला के सपने को पूरा करने के लिए बीजेपी क्या खास कर सकती है टीएमसी के मैनिफेस्टो से? देखिए अनुराग, सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की बात की जा रही, क्योंकि बंगाल में बकायदा सर्वे कराया गया है, बकायदा वहां की जनता से राय मांगी गई है कि आखिरकार जनता क्या वो तमाम चीजें, क्या विकास है जो बंगाल में चाहती है, पूरा सर्वे कराया गया 3 लेवल का, उसके बाद मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। और बीजेपी में मैनिफेस्टो को लेकर के बहुत मंथन होता है अनुराग, क्योंकि मैनिफेस्टो किसी भी पार्टी का चेहरा होता है कि आखिरकार 5 साल पार्टी किस दिशा में काम करेगी, क्या दशा होगी उनकी और जो वादे करे पूरे भी करती है कि नहीं। लिहाजा तमाम मुद्दे, लेकिन मैनिफेस्टो पर जनता का बहुत बड़ा कहीं ना कहीं ध्यान रहता है और मैनिफेस्टो के आधार पर भी यह तय किया जाता है। लेकिन बंक की जंग में पहले चढ़ के चुनावी घर से पहले ममता ने घोषणा पत्र के नाम पर बड़ा दांव फेंकने की तैयारी कर ली है। टीएमसी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। हिंदुस्तान पर आप ममता बनर्जी के मैनिफेस्टो को हिंदी में सुन सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी घोषणा पत्र में एससी एसटी और ओबीसी के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। पार्टी महिषिया, तुमुल, तिली और साहा को ओबीसी में शामिल करने का बड़ा दांव चल सकती है। हावड़ा, हुगली, दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिले के साथ साथ पूर्वी मिदनापुर जिले में महिषी समुदाय का एक बड़ा हिस्सा रहता है। ममता बनर्जी खुद पूर्वी मिदनापुर जिले के नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रही हैं, तो जाहिर है कि इस वर्ग को भी पूरी तरह से अपनी ओर खींचने की कोशिश होगी और इससे लगभग 40 से 50 सीटों पर भी एक बड़ा इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलेगा। इधर ममता बनर्जी ने आज केंद्र सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला। पश्चिम बंगाल के झारग्राम की चुनावी सभा में ममता ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि बंगाल के किसानों को वो बर्बाद कर रही है। ममता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को चारों तरफ से घेरा है और चोर बता दिया है। কৃষক বন্ধুরা মিথ্যে কথা বলছে, আমরা এক কাঠা জমি থাকলেও 2000 টাকা দিই, আর ওদের যে স্কিম
আমি কবে থেকে বলছি দাও চাষীদের, দিচ্ছে না, না দিয়ে আগামী দিন আমি আপনাদের করে দেবো, যাতে আপনাদের ওদের টাকা ভিক্ষা করে নিতে না হয়। আমি অনেকবার চিঠি লিখেছি দেবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে, মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছে, আর বলে যাচ্ছে এখানে সবাই চোর, এখানে সবাই চোর। আর তোমরা কি, তোমরা হচ্ছে সবচেয়ে বড় চোর। प्रत्युष और श्वेता हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रत्युष, पहले आप ही से समझ लेते हैं, एक तरफ तो 2019 में खुद ममता दीदी इस बात को मान रही थी कि अपने विधायकों को अब कटमनी लेना बंद करना चाहिए, लेकिन जब चुनाव में जनता के बीच जाना है तो बीजेपी को चोर बता रही है, दांव चल पाएगा क्या उनका? देखिए, टीएमसी कटमनी के मसले पर घिरी थी और खुद ममता बनर्जी ने कहा था कि मैंने जितने भी ऐसे घोटालेबाज थे उन नेताओं को हमने पार्टी से दूर कर दिया, उनके खिलाफ हमने कड़ा एक्शन लिया। क्योंकि आज मैनिफेस्टो जारी करना है, कई सारे मोर्चों पर इस वक्त टीएमसी घिरी हुई है यहाँ पर, लेकिन अब उनको लोगों को बताना है कि हम आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। जैसे जितनी भी टीएमसी की योजनाएं स्टेट लेवल पर चल रही है, चाहे वो कन्याश्री योजना हो, युवा श्री योजना हो या सबू योजना हो, इनको कंटिन्यू किया जाएगा। और जो बात कही जा रही है कि सबसे ज्यादा, क्योंकि जहां जहां हम घूम रहे हैं वहां पर युवाओं में एक आक्रोश है, एक नाराजगी है कि भाई नौकरियां जनरेट नहीं हो रही, पत्र में मैनिफेस्टो में 5 लाख युवाओं को नौकरी का ऐलान किया जा सकता है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 5 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। गरीब परिवारों के लिए जा सकता है कि 5 लाख घर बनाए जाएंगे जो गरीब परिवारों को दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी यानी प्रत्युष, हर वर्ग को साधने की कोशिश होगी इस मैनिफेस्टो में। श्वेता भी इस वक्त हमारे साथ लगातार लाइव जुड़ रही है ग्राउंड जीरो से। श्वेता, लगातार तोलाबाजी और कटमनी के मुद्दे पर घिरने वाली टीएमसी ने क्या भारतीय जनता पार्टी को चोर बोलकर इसका कोई विकल्प ढूंढ कर ले आई है? और आज की मैनिफेस्टो की बात करें तो क्या ऐसे लोक लुभावन वादे हो सकते हैं बंगाल की जनता से जो इन 10 सालों में ना किए गए हो, एक बार फिर से उनको लुभाने की कोई नई रणनीति हो? देखिए, कई बार होता है कि वादे वही होते हैं, बस थोड़े से शब्द बदल के और ऐसे पेश किया जाता है, मतलब पैकेजिंग उसकी इतनी अच्छी कर दी जाती है कि लोगों को लगता है सोनार बांग्ला का सपना शायद पूरा हो, और इस बार टीएमसी वही करने वाली है। देखिए, जैसा प्रत्युष बता रहे थे रोजगार की बात, हम जहां जहां घूम रहे हैं हमने यही देखा है, एक तो कोरोना, ये भी एक प्रमुख वजह है जिसकी वजह से लोगों का रोजगार गया। पश्चिम बंगाल में रोजगार एक प्रमुख समस्या है, लोगों का यही कहना है, युवाओं को अगर आपको लुभाना है तो रोजगार आपको देना होगा। तो जो प्रत्युष कह रहे हैं कि 5 लाख नौकरियों का, टीएमसी कैसे समझ पा रही है कि जो 10 साल नहीं कर पाए आगे कैसे कर पाएंगे, वो जनता को कैसे बताया जाता है, इसके लिए हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। प्रत्युष और श्वेता, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन अब बात कर लेते हैं शक्तिपीठ माता कामाख्या की, बात असम की, जहां योगी आदित्यनाथ ने प्रचार अभियान की शुरुआत की और एक बार फिर से जय श्री राम की गूंज से लोगों का उत्साह सामने आया। असम में पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होना है। सभी पार्टियों का प्रचार अभियान तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ती लोकप्रियता को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी असम में इस बार और ज्यादा सीटों की उम्मीद कर रही है। आंकड़े क्या कहते हैं, समीकरण क्या कहते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। योगी की रैली में श्री राम का जयकारा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, पूरे असम ने पुकारा, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बंगाल के बाद अब असम में भी जय श्री राम की गूंज है। यूपी के सीएम योगी ने असम में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत होजाई से की तो एक बार फिर कहा कि राम के बिना भारत का काम नहीं चल सकता, राम के बगैर भारत का काम चल ही नहीं सकता है। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की फायर ब्रांड प्रचारक की छवि के पीछे उनके अकाट्य तर्क और मुद्दे तो होते ही हैं, उनकी लोगों को प्रभावित करने की असीम क्षमता और ऊर्जा का भी इसमें अहम रोल है। योगी के शक्ति प्रदर्शन का राज छिपा है उनकी शक्ति साधना में। सीएम योगी ने जब असम का सियासी दौरा शुरू किया तो सबसे पहले 51 शक्ति पीठों के महापीठ माता कामाख्या के दर पर सिर नवाया। इसके बाद होजाई की सभा में योगी ने कहा कि पहले की सरकारों ने उत्तर पूर्व के राज्यों की अनदेखी की, खासकर कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली नीति की कीमत असम को उग्रवाद के रूप में चुकानी पड़ी। कांग्रेस की अगर कूटनीति चलती और कांग्रेस का खड़ेंद्र सफल होता तो यह धरती भी उसी प्रकार से भारत के लिए खतरा पैदा कर देती जैसे घुसपैठियों ने बहुत सारे क्षेत्रों में कांग्रेस की तुष्टीकरण के नाते आज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया था।
असम में पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होना है। 126 सदस्यीय विधानसभा में सत्तारूढ़ बीजेपी के 60 विधायक हैं। असम में पहले से ज्यादा सीटों की उम्मीद में बीजेपी ने प्रचार में जान फूंक दी है। होजाई रैली में योगी ने जम्मू कश्मीर में केंद्र की नीतियों से आ रही खुशहाली का जिक्र कर असम के लोगों में उम्मीद जगाई। आप याद करिए, हम कश्मीर के लिए लड़ा करते थे, कहा करते थे एक देश में दो प्रधान दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे। 1952 में कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति को पोषक करते हुए भारत के संविधान में धारा 370 डाल करके कश्मीर को आतंकवाद के हवाले कर दिया था। और बंगाल की धरती पर पैदा होने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तब उद्घोष किया था, एक देश में दो प्रधान दो निशान और दो विधान नहीं चलेंगे। दरअसल असम में AIUDF के मौलाना बदरुद्दीन अजमल कांग्रेस की अगुवाई वाले महाजोत यानी महागठबंधन का हिस्सा हैं। वो मुस्लिम तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर रहा है। यही वजह है कि 34% अल्पसंख्यकों वाले असम में मुस्लिम महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या 3 तलाक का जिक्र करना भी योगी नहीं भूले। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ट्रिपल तलाक पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। अब 3 तलाक कहकर के कोई नारी गरिमा के साथ ठेस नहीं पहुंचा सकता है। 3 तलाक की बात करेगा तो जेल के अंदर भारत की जेलें उसका इंतजार करेंगी। ये सुरक्षा देने का कार्य भी बहन और बेटियों को किसी ने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। सीएम योगी ने कलाई गांव और रंगिया में भी जनसभाएं की और असम के लोगों की खुशहाली के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की। बंगाल के बाद अब असम में भी जय श्री राम की बढ़ती गूंज फिलहाल बीजेपी को सुकून दे रही है, मगर बीजेपी के साथ ही सारी पार्टियों को 2 मई का इंतजार है। दोनों हाथ पकड़ के जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अंदाज जाना पहचाना चित परिचित था। यहां पर भी जय श्री राम के नारे की गूंज सुनाई दी और उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति को जमकर कोसा। श्वेता और प्रत्युष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रत्युष, आप इसे समझते हैं, क्योंकि अगर बंगाल और असम के लिए कुछ बात लिंक होती हुई नजर आती है तो वो है मुस्लिम वोट बैंक, जिसकी राजनीति विपक्ष लगातार करता रहा है। क्या पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरजे हैं, ठीक वैसा ही असर दूसरे राज्यों में भी करने की कोशिश है और बहुत बड़ा इंपैक्ट बंगाल में भी देखने को मिलेगा इसका? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो वोटों का उसको लेकर के सियासत होती है और जमकर सियासत होती है। सबको पता है कि किसका किसका वोट बैंक कहां है, किसका जनाधार कहां है। उसी हिसाब से टीएमसी अपने बयान सेट करती है, उसी हिसाब से कांग्रेस और लेफ्ट अपने बयान सेट करती है। बीजेपी ने जो इस बीच चुनाव के दौरान जो जय श्री राम के नारे लगाए या तुष्टीकरण के जो आरोप ममता दीदी पर टीएमसी पर लगाए हैं, इसके बाद देखती है कि सामने वाले पार्टी किस तरह के तरीके से रिएक्ट कर रही है। और आपने देखा कि उसके बाद दीदी को भी मजबूरन मंदिर मंदिर जाना पड़ा, दीदी को चंडी पाठ करना पड़ा, ये बताने की कोशिश की गई कि साहब हम पर जो तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं ऐसा है नहीं। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि ऐसी चीजें यहां पर है, क्योंकि जहां जहां हम कुछ कुछ इलाकों में जहां हम लोग गए वहां पर लोगों के अंदर, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जो लेफ्ट के समय में बंगाल में जो सत्ता चलती थी, अंदर लोगों के अंदर गुस्सा बहुत भरा होता था लेकिन वो डर के निकाल नहीं पाते थे। टीएमसी के शासनकाल में भी वही सारी चीजें हो गई। अब धीरे धीरे लोग खुलकर बोलने लगे। पहले वो बात करने से माइक अगर लगाइए तो कहते साहब हम नहीं बात करेंगे। मैंने इस बार भी कई लोगों से पूछा, क्यों साहब आप बात क्यों नहीं करना चाहते? बोले नहीं, हमें इसमें इस लफड़े में नहीं पड़ना है, ऐसे साफ कहते हैं। लेकिन कई लोग हंसते हंसते कहते हैं कि इस बार परिवर्तन होगा, खेला होगा। जिस खेला शब्द को मीडिया और हम सब लगातार ये समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या, लोग मुस्कुरा के कहते हैं खेला होगा और इतना बोलते हैं परिवर्तन होगा। किसके पक्ष में जाएगा ये कहना मुश्किल है, आप अनुमान लगा सकते हैं। अनुराग, यहां पर लोग कहें बिल्कुल बंगाल में कि अब धीरे धीरे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। बिल्कुल प्रत्युष, हम लौटेंगे लगातार आपके पास, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर, बंगाल का सियासी समर बेहद रोमांचक हो गया है और इसे और धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल जा रहे हैं। पीएम मोदी कल पुरुलिया में चुनावी बिगुल फूकेंगे। पुरुलिया की जनता का मुंह क्या है, देखा हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरफराज सैफी ने लोगों से बातचीत की। बंगाल के पुरुलिया जिले में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और झील के पास
एक ऐसे चौराहे पर खड़ा हूँ जहाँ कुछ लोग उससे ये समझने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ के वोटरों का मिजाज क्या है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं। दादा, क्या माहौल है चुनाव का? इधर माहौल पूरा गर्म है और वोटर वेट कर रहे हैं भाजपा को वोट करने के लिए। गर्मी से ज्यादा गर्म है? गर्मी से भी ज्यादा गर्म है। इस बार वोटरों ने मन बना लिया है कि मोदी जी का नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बने। मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। तो मोदी जी है, मोदी जी के सिवा हम लोग तो अभी सोचा नहीं कुछ। दादा, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का बीजेपी जीतेगा। दादा, क्या माहौल है चुनाव का यहाँ पे? अभी देखिए, अभी हाल जैसा दिख रहा है, पलट रहा तो बाजी पलट रही है, बाजी पलट रहा है। खेला होवे है, खेला होवे। ये लिट्टी चोखा, जलेबी और कचौरी की दुकान है, इन्हीं से पूछते हैं तो लोग यहाँ आते हैं, कचौरी खाते हैं, जलेबी खाते हैं, लिट्टी खाते हैं, क्या बात करते हैं? बात में सही है, वो तो बात सही है, सब अलग अलग किस्म का बात करते हैं। कोई बीजेपी बोलता है, कोई इसमें जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो आएगा आएगा। दादा, चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? अभी कांटे का टक्कर है, कोई भी जीत सकता है, देखा जाए क्या होता है। तो आपके पास जो लॉटरी खेलने के लिए आते हैं वो क्या कहते हैं, क्या बातें करते हैं? सभी तरह के लोग आते हैं, सभी तरह का बात करते हैं। और चलिए आपको आगे दिखाते हैं देश भर की 10 बड़ी खबरें। कोरोना संकट पर मुख्यमंत्री के साथ बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, ट्रेस ट्रैक ट्रिक पर गंभीरता से करना होगा काम। प्रधानमंत्री ने कहा, छोटे शहरों में बढ़ानी होगी टेस्टिंग, गांवों में फैला कोरोना तो हो जाएगी मुश्किल। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 28,903 नए मामले सामने आए, 188 लोगों की जान चली गई। असम के उजैर वैली में सीएम योगी की हुंकार, कहा भारत का काम राम के बिना नहीं चल सकता, राम हमारे संबोधन है, हमारे प्रतीक है। सीएम योगी ने अपने भाषण में 3 तलाक का जिक्र किया, कहा 3 तलाक की बात करने वाले जेल जाएंगे। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ की शक्ति साधना, पूरे विधि विधान से की पूजा अर्चना। पश्चिम बंगाल के जारग्राम से सीएम ममता बनर्जी की चुनावी रैली, बीजेपी पर ममता बनर्जी का निशाना, टीएमसी को जिताने की अपील। एनआरसी पर गृह मंत्रालय का बड़ा बयान, नेशनल लेवल पर एनआरसी लाने को लेकर सरकार ने अभी तक कोई नहीं लिया फैसला, राज्यसभा में सरकार ने लिखित में जवाब दिया। बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत हुई, दिल्ली आवास पर पंखे से लटका मिला शव, मामले की जांच में जुटे पुलिस। कुलपति के अजान पर शिकायत के बाद गरमाई उत्तर प्रदेश की सियासत, एसपी ने कहा बीजेपी हर मुद्दे को जाति से धर्म से जोड़ती है, बीजेपी का पलटवार, हर व्यक्ति को है बोलने का हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, हम हिंदुस्तानी आप देख रहे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं अयोध्या हिल्स, जहां भगवान श्री राम 2.5 दिन वहां रहे थे, वहां उन्होंने 2.5 दिन अपने गुजारे थे। और यहीं पर माता सीता को जब प्यास लगी तो श्री राम ने धनुष और तीर से पानी की धारा कैसे निकाली थी, ये आपको दिखाते हैं। मैं बंगाल में हूं और बंगाल के पुरुलिया जिले के अयोध्या हिल टॉप पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी मंदिर का जिक्र कर रहे थे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी चुनावी रैली में इसी मंदिर का जिक्र करेंगे। ये अयोध्या हिल टॉप का मंदिर है। बताया ये गया है कि भगवान श्री राम वनवास के दौरान 2.5 दिन इसी जगह पर रहे थे, जिस जगह मैं मौजूद हूँ। ये मंदिर की मैं सबसे पहले तस्वीर दिखा दूँ आपको, ये देखिए भगवान श्री राम की ये जगह है जहां पर वो आए थे, रुके थे और 2.5 दिन का वक्त यहां पर रहा था। और ये तमाम जो दूर दराज से लोग हैं वो यहां आते हैं और उसके बाद यहां दर्शन करते हैं, उसके बाद में वो अयोध्या हिलटॉप का इसको नाम दिया गया। हालांकि पहले यहां आने में बहुत वक्त लगता था, सड़कें नहीं थी, लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी, बड़ी परेशानियाँ होती थी, लेकिन अब बहुत शानदार सड़कें हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। पुजारी जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, भगवान श्री राम के मंदिर में आप और मैं इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ का इतिहास क्या है? यहाँ का इतिहास, इस गांव का लोगों का विश्वास है कि जो समय में श्री रामचंद्र जी यहाँ वनवास में थे उस समय यहाँ 2.5 दिन थे, और सीता देवी का जब प्यास लगा था उस समय तीर मार के पानी निकाल कर थे श्री रामचंद्र जी, उसको अभी सीताकुंड बोलता है, जो यहाँ से
पाँच सात मिनट पैदल में जाने का रास्ता दक्षिण तरफ। तो भगवान श्री राम यहाँ पर रहे थे? हाँ, ढाई दिन रहे थे। ढाई दिन यहाँ पर रहे थे। इस वक्त चुनाव का माहौल भी है, तमाम नेता यहाँ पर आ रहे हैं, कोई नेता अभी तक यहाँ आया? कोई नेता तो नहीं, नहीं आया, नहीं आया। अच्छा, जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं या जो लोग आते हैं तो यहाँ पर आते होंगे? हाँ, टूरिस्ट आते हैं, दिसंबर जनवरी में ज्यादा आते हैं, ज्यादा आते हैं। कल यानी 18 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरुलिया के भांगड़ा में रैली करने वाले हैं और इस रैली की तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी रोहित रंजन ने। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी जब जाने वाले हैं तो तैयारी किस तरह से की जाती है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, ये देखिए तैयारियां चल रही है रैली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है 18 तारीख को, 18 मार्च को, और उससे पहले ये भांगड़ा में हम है, पुरुलिया के भांगड़ा में। और ये देखिए तैयारियां क्या बृहद पैमाने पर ये पूरी तैयारी चल रही है। ये पूरा का पूरा जो ये पंडाल बन रहा है ये गर्मी से बचाने के लिए, क्योंकि हमने देखा कि गर्मी का प्रकोप बंगाल में लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग आए लाखों की संख्या में, कल की भीड़ एक्सपेक्टेड है, यानी ये मान के चला जा रहा है कि लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। और इसलिए जो पंडाल बनाया जा रहा है वो देखिए दूर दूर तक ये पंडाल पूरा कवर किया गया, एक पंडाल बनके तैयार हो चुका है। और मंच बनाया गया है, एक बहुत बड़ा सा मंच बनाया गया है। और खास बात ये भी है कि इस मंच को अभी से ही सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया, यानी उस मंच के पास किसी की जाने की अनुमति नहीं है। प्रधानमंत्री उसी मंच पर कल आएंगे और यहीं से रैली को संबोधित करेंगे। और अब बंग की जंग में बात दीदी के भक्तों की, जो ममता राज में बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कोलकाता के धर्मतल्ला से मल्लिका मल्होत्रा की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं बंगाल में हूँ। बंग की जंग की ये बस जी हिंदुस्तान अपने सफर पर निकल पड़ा है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंट्रल कोलकाता के धर्मतल्ला इलाके में। दोपहर का इस वक्त है तो यहाँ पर काफी ट्रैफिक आप देख पा रहे होंगे और मौसम भी यहाँ पर बहुत गर्म है, गर्मी बहुत है क्योंकि सियासी माहौल है, सियासी मौसम है। तो ऐसे में जी हिंदुस्तान की टीम निकल पड़ी है कि बंगाली मानुष का मन क्या कहता है, बंगाली मानुष के दिल में क्या है। और हमारे साथ यहाँ पर एक मेहमान भी है, इनसे मैं जानना चाहती हूँ, आप ये बताइए इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? इस बार सरकार टीएमसी की बनेगी। टीएमसी की सरकार बनेगी, ममता जी से खुश है यहाँ की जनता? बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। और चलिए, ये धर्मतल्ला इलाके में है तो तस्वीरें आपको दिखाती चलती हूँ। नींबू पानी की दुकान यहाँ पर बहुत सारी हैं क्योंकि गर्मी इतनी है कि ऐसी गर्मी में लोगों को अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी पीना। और देखिए, ये नींबू पानी का जिक्र किया तो ये एक छोटी सी आप देखिए दुकान है नींबू पानी की। अगर बीजेपी का सरकार यहाँ ढुकता है तो एक तरीके से जाति पर जाति पे आ जाएगा। ये जो बंगाल है हमारा, बंगाल हमारा मतलब सोने का चिड़िया जैसे बोला जाता है ना, यहाँ सब मिलजुल करके रहता है। तो एमडी साहब यहाँ पर नींबू पानी की दुकान चलाते हैं, आपके ग्राहक आए, आप उनके लिए नींबू पानी बना दीजिए, आप क्या कहेंगे ममता दीदी के बारे में? अच्छा है, अच्छा है। हैट्रिक मारेंगी 200 के पार, 200 के पार। तो बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत लगा रही है इस बार बंगाल को जीतने के लिए? नहीं आएगा बीजेपी, बिल्कुल आप श्योर है? सही, श्योर 100%। बीजेपी का जितना मुश्किल है। तो ये देखिए नींबू निचोड़ रहे हैं, ये कहते हैं ना कि नींबू को जितना निचोड़ो उतना रस निकलेगा। तो बंगाल की जनता, खासकर यहाँ जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ के लोगों की राय क्या है ये मैंने आपको बताई। ममता दीदी के शासन से बहुत खुश है और यही उम्मीद कर रहे हैं, हालांकि दुआ कर रहे हैं कि ममता दीदी की ही सरकार बने। तो अगर विपक्ष को यहाँ पर जीत हासिल करनी है तो नींबू की तरह ही रस निकालने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह से नींबू को जितना निचोड़ो रस निकलता है, उतनी ही मेहनत विपक्ष को करनी पड़ेगी अगर दीदी के किले में सेंध करना है तो। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मल्लिका मल्होत्रा, कोलकाता, जी हिंदुस्तान। व्यक्तिगत स्वतंत्रता हर किसी का अधिकार है, इसमें खलल पड़ने पर शिकायत लाजमी, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी ने लाउड स्पीकर पर तेज अजान की शिकायत क्या की, केस पर सियासी संग्राम चढ़ गया। सियासत शुरू होते ही मुस्लिम धर्मगुरु और साधु संत आमने सामने आ गए, पूरे हालात जो इस पर बनते हुए नजर आ रहे हैं वो आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कुंभ
मीटिंग के मौके पर कसीर तादाद में लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल होता है। खुदा कोई बहरा तो है नहीं, कितनी जबरदस्त माइक लगा के लोगों को डिस्टर्ब किया जाता है। लाउड अजान पर सियासी संग्राम, मौलवी से संतों तक घमासान। आज की तेज भागती फिरती जिंदगी में दो पल का सुकून हर किसी के लिए दूर की कौड़ी बन गई है। ऐसे में अगर नींद में भी खलल पड़ जाए तो आदमी कहाँ जाए। कुछ ऐसा ही हुआ इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के साथ, जब हर रोज सुबह 5:30 बजे लाउड स्पीकर पर होने वाली अजान से उनकी नींद खराब होने लगी। हर किसी को अधिकार है कि उसके निजी जीवन में कोई बाधा न पहुंचाए। इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए वीसी ने राहत पाने के लिए डीएम को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की गुजारिश की, लेकिन धर्म का मसाला मिलते ही समस्या को सियासत का रंग देने में देर न लगी। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर में आई है, लगातार यहाँ पे जात धर्म की राजनीति पे जोर दिया जा रहा है। आखिर क्यों भाई, क्यों नहीं यहाँ पे राष्ट्र निर्माण की बात होती? राष्ट्र निर्माण की बात होगी तो समाज में समाज के विकास की बात होगी। देश का संविधान और कानून प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की इजाजत देता है कि अगर उसके अधिकारों में हनन होता है, अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो सक्षम अधिकारी के सामने अपनी समस्या को, अपनी शिकायत को रख सकता है। जिला प्रशासन प्रयागराज ये तय करेगा कि अगर नियमानुसार शिकायत सही है तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। सबसे पहले अखाड़े में कूदी वही समाजवादी पार्टी जिसके राज में अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चली थी, जबकि वीसी प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि वो किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। उन्होंने यहां तक अनुरोध किया कि अजान बगैर लाउड स्पीकर के भी हो सकती है ताकि तेज आवाज से परेशान लोगों को राहत मिल सके, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु ने वीसी की शिकायत को न सिर्फ गैर जरूरी बताया बल्कि इसे सोची समझी साजिश बता डाला। कुलपति साहब, महज 1 मिनट या 2 मिनट की अजान पर, जिसमें अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र होता हो, लोगों को कामयाबी की तरफ बुलाया जाता हो, अगर वो इस तरीके का पत्र लिखेंगे और अपनी इतनी बड़ी दिक्कत को जाहिर करेंगे कि उनकी नींद में खलल वाकई होता है, तो ये बात समझ से परे है, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। ये मानना है कि एक सोची समझी साजिश के तहत, एक नॉन इशू को इशू बनाने के तहत ये काम किया गया, ये पत्र लिखा गया है। इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं, इस्लाम में आकार की पूजा नहीं मानते हैं, तो जब आकार को मानते नहीं है तो उनके यहाँ लाउड स्पीकर से अजान पढ़ने की जरूरत क्या है? यह निश्चित रूप से उनको तो मानसिक रूप से जो है तो उसका अजान करना चाहिए। और तमाम यह जो है, यह कुलपति महोदया ने पूरे देश की यह समस्या है जो कुलपति महोदया ने व्यक्त किया है, पूरे देश में बच्चों की पढ़ाई भी उससे जो है तो प्रभावित हो रही है। जबकि इस समस्या को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक में 10:00 बजे से 6:00 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी है। कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड ने अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अदालतों के आसपास के क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित किया हुआ है। अदालत पहले ही लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर कुछ पाबंदियां लगा चुकी है। 2017 में सिंगर सोनू निगम ने जब सुबह की अजान पर सवाल उठाया था तो देश भर में बवाल मच गया था। फिलहाल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी की शिकायत पर प्रशासन जांच और कार्रवाई की बात कह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हालांकि इस तरह की शिकायतों को सीधे धर्म से जोड़ दिया जाता है जबकि शिकायत होती है लाउडस्पीकर को लेकर। ऐसे में जी हिंदुस्तान के सवाल यह है कि लाउडस्पीकर पर अजान की तेज आवाज समस्या है क्या? और बड़ा सवाल यह भी है कि तेज आवाज की शिकायत करना क्या गैर जरूरी कैसे लोगों को लगता है? सवाल यह भी कि निजी अधिकार के हनन की शिकायत साजिश कैसे हो सकती है जिसका दम वहां पर कुछ मौलाना बढ़ते हुए नजर आ रहा है? समस्या का समाधान जरूरी है या समस्या पर सियासत, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि जब भी ऐसी कोई धर्म से जुड़ा हुआ मामला आता है तो सियासत पहले होने लगती है। इधर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लागू क्यों नहीं होती? सवाल इसलिए ये जायज है क्योंकि वो क्षेत्र जहां पर लाउडस्पीकर को लेकर शिकायत की गई वहां तेज आवाज पर पाबंदी पहले से ही लागू की गई है। इधर प्रयागराज रेंज के आईजी केपी सिंह ने कहा है कि कुलपति की शिकायत पर जांच और कार्रवाई आगे की जा रही है, सुनाते हैं। माननीय वीसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक पत्र मेरे भी संज्ञान में आया है जो उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को लिखा है कि एक निश्चित डेसिबल से ऊपर माइक के द्वारा अजान होती है जिससे उनको डिस्टर्बेंस होता है, तो हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं और उसमें जांच करके, और ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि 10 बजे शाम से 6:00 बजे के बीच में
कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं होना चाहिए और इस पर मैं तत्काल अध्ययन करके कार्यवाही करूंगा जिससे कि जो माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन किया जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने भी कुलपति की शिकायत को जायज ठहराया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। जब अजान शुरू हुई थी तब लाउडस्पीकर का ही नामो निशान नहीं था। लाउडस्पीकर का आविष्कार 200 साल पहले हुआ, इस्लाम 1400 साल पहले से चल रहा है कि अजान की आवाज की डेट में लाउडस्पीकर के साथ करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको नमाज पढ़ना होगा वो अपने घर में अलार्म लगा लेगा, सबके घर में मोबाइल है, सबके घर में घड़ी है, सब लोग घड़ी देख लेंगे, सब लोग अलार्म लगा के अपने आप जग जाएंगे तो अपने आप आ जाएंगे। ज़बरदस्ती किसी को घर से जगाना और ख़ासतौर पे वो जिसको अजान करना नहीं है, जिसको नमाज पढ़नी नहीं है, उसको ज़बरदस्ती जगाना, मुझे लगता है ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है। और चलिए आगे आपको सुनाते हैं कि अजान को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु और संतों के बीच आखिर किस तरह का घमासान मचा हुआ है। कुलपति महोदया ने, पूरे देश की ये समस्या है जो कुलपति महोदया ने व्यक्त किया है, पूरे देश में बच्चों की पढ़ाई है उससे जो है तो प्रभावित हो रही है, बच्चों का जो है इसमें तमाम जो पढ़ने वाले छात्र हैं, प्रतिभाशाली छात्र हैं, उनको निश्चित रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें होना चाहिए कि जो भी लाउड स्पीकर है यह एक तय समय सीमा में ही बजाया जाए। एक बार हाई कोर्ट ने इस पर जो है तो आर्डर भी किया था लेकिन उसका अनुपालन नहीं किया गया। कुलपति साहब महज एक मिनट या दो मिनट की अजान पर जिसमें अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र होता हो, लोगों को कामयाबी की तरफ बुलाया जाता हो, अगर वो इस तरीके का पत्र लिखेंगे और अपनी इतनी बड़ी दिक्कत को जाहिर करेंगे कि उनकी नींद में खलल वाकई होता है तो ये बात समझ से परे है, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है कि एक सोची समझी साजिश के तहत, एक नॉन इशू को इशू बनाने के तहत ये काम किया गया, ये पत्र लिखा गया है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि किसी न किसी सूरत पर अजान पर पाबंदी लगाई जाए। तो मुस्लिम और हिंदू धर्म गुरुओं के बीच एक दूसरे के धार्मिक अनुष्ठानों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ा है। हिंदू बाहुल इलाका में क्या जरूरत है मस्जिदों पे 16-16 माइक हॉर्न बांधने का, क्या जरूरत है 8-8 माइक बांधने का, क्या जरूरत है 4-4 माइक बांधने का। खुदा कोई बहरा तो है नहीं कि इतनी जबरदस्त माइक लगा के लोगों को डिस्टर्ब किया जाता है। अगर आपको लोगों को एक्टिव करना है तो स्वभाव के एक माइक लगाइए, आवाज मध्यम कर दीजिए, ऐसा होना चाहिए। इसके नाते मैं कुलपति महोदय को साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा और मैं भी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पर भी एक माइक से ज्यादा मस्जिदों के उस पे मीनार पे लगे हुए हैं उसको हटाए जाएं। हम सब जिस मुल्क में रहते हैं ये मुख्तलिफ मजहब के मानने वालों का मुल्क है, यहां पर मुख्तलिफ त्यौहार भी मनाए जाते हैं। जहां मस्जिदों से अजानों की आवाज़ आती है वहीं पर मंदिरों से भजन और कीर्तन की आवाज़ आती है और कोई भी मुसलमान इन तमाम चीज़ों पर एतराज़ नहीं करता है। जिस शहर से हमारे कुलपति साहब ने ये लेटर लिखा है वहाँ पर कुंभ के मौके पर कसीर तादाद में लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल होता है और रास्तों को भी बंद किया जाता है, लेकिन कोई भी मुसलमान कभी भी किसी भी सूरत में इन तमाम चीज़ों पर कोई एतराज़ नहीं करता है। चलिए हम हिंदुस्तानी में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो हर हिंदुस्तानी से जुड़ी हुई है। खबर कोरोना को लेकर, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया और कई बड़ी बातें कही हैं। पीएम मोदी ने कहा है वैक्सीन कोरोना के खिलाफ प्रभावी हथियार है लेकिन इसकी बर्बादी ना हो इसका ध्यान रखना होगा। प्रधानमंत्री ने आज शाम 7 बजे तक सभी मुख्यमंत्रियों से सलाह मांगी है और कहा कि आज ही इस पर विचार भी करूंगा। पीएम ने यह भी कहा कि हमें दवाई और कड़ाई के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ना होगा और सावधानियां बरतनी होंगी, जैसा कि पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है जब वैक्सीन आने को लेकर कुछ लोग बहुत कैजुअल हो गए थे और अब ऐसे में जब मामले बढ़ रहे हैं राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक पीएम मोदी की। एक मंत्र जो हमें लगातार हम सबको कहना होगा, दवाई भी और कड़ाई भी। देखिए दवाई मतलब बीमारी चली गई ऐसा नहीं, मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ है उसने दवाई ले ली सब ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ठंडी जगह पे बिना सुरक्षा के ऊनी कपड़े वगैरह पहने बिना वो चला जाए, बारिश में कहीं भीगने के लिए चला जाए। भाई ठीक है तुमने दवाई ली है लेकिन तुम्हें बाकी संभालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये हर हेल्थ का नियम है जी, ये कोई इस बीमारी के लिए नहीं है, ये हर बीमारी के लिए है जी। अगर हमें टाइफाइड हुआ, दवाई हो गई, सब हो गई, फिर भी डॉक्टर कहते हैं इन इन चीजों को नहीं खाना, ये वैसा ही है। और इसलिए मैं समझता हूं इतनी सामान्य बात लोगों को समझानी चाहिए।
और इसलिए दवाई भी और कड़ाई भी, इस विषय में हम बार बार लोगों को आग्रह करें। तो दवाई भी और कड़ाई का संदेश दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कोरोना लगातार बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में तो कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत हो गई है। मुंबई में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते बीएमसी ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बीएमसी ने यह फैसला लिया कि स्कूलों में 50% शिक्षकों की अटेंडेंस को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया जाए। सभी शिक्षकों को बच्चों को घर ऑनलाइन पढ़ाने को कहा गया है। समझाते हैं आपको पूरा मामला इस रिपोर्ट के साथ। महाराष्ट्र में आखिरकार वही हुआ जिसका डर काफी दिनों से सता रहा था। मुंबई समेत पूरा महाराष्ट्र कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को चिट्ठी भेजी जिसमें साफ कहा गया है कि महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है, सख्त और प्रभावी कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, पॉजिटिविटी रेट कम करने पर जोर दिया जाए, नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। चिट्ठी में ये भी लिखा है कि जब भी कोई मरीज पॉजिटिव मिलता है तो उससे जुड़े कम से कम 20 से 30 लोगों की जांच की जाए। इधर महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में नए मामलों की संख्या 17,000 को भी पार कर गई। कोरोना के मामले में शुरुआती दिनों से महाराष्ट्र नंबर एक पर बना हुआ है। राज्य सरकार ने नागपुर में 21 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया है जबकि कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संकट के बीच नई गाइडलाइन जारी की गई है। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है जबकि दफ्तरों में भी 50% तक ही कर्मचारियों को आने की इजाजत दी गई है। मुंबई में हालात इतने खराब हैं कि बीएमसी ने यहां भी कई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। आज से 12वीं क्लास तक सभी बोर्ड के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। शादी और अंतिम संस्कार में सिर्फ 50 लोगों की शामिल होने की इजाजत दी गई है। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और होटल 50% के साथ काम करेंगे। राज्य में कोई भी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे। महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी कोरोना की दूसरी लहर वाकई चिंताजनक है। ऐसे में जरूरी है कि कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो ताकि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर काबू पाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।